दोस्तों, लेकिन टाइगर के दरवाजा तोड़ने से पहले ही लिसा चिमनी में ऊपर चढ़ गई। लेकिन खूंखार टाइगर उसे अभी भी ढूंढ रहा था। वहीं लिसा का ज्यादा देर तक उस चिमनी के अंदर रुक पाना नामुमकिन था, क्योंकि चिमनी के अंदर असहनीय गर्मी थी और धीरे धीरे लिसा की पकड़ भी कमजोर हो रही थी। और तभी लिसा का फोन बजने लगता है, जिससे टाइगर फिर से उसके बिल्कुल नीचे आ जाता है। वहीं लिसा की कोहनी से पसीना निकलकर नीचे गिरने वाला था, और तभी पसीने की वजह से लिसा के हाथ पैर फिसलने लगते हैं, जिससे लिसा चिमनी में नीचे आ रही थी, जिससे लिसा कभी भी चिमनी से नीचे गिर सकती थी, यानी उसकी मौत उसके सर पर मंडरा रही थी। और तभी लिसा के पसीने की एक बूंद धीरे धीरे नीचे खिसकने लगती है। वो कभी भी नीचे गिर सकती थी, लेकिन लिसा चाहती थी कि ऐसा ना हो। लेकिन ऐसा ही हुआ, पसीने की बूंद झट से नीचे जा गिरी, जिससे टाइगर तुरंत इंसानी पसीने की महक को जान गया, जिससे टाइगर को पता चल गया कि लिसा चिमनी के अंदर छुपी है। इसलिए टाइगर ने चिमनी के अंदर शांति से देखा और चुपचाप चला गया। लिसा को लगा कि टाइगर ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल टाइगर तेजी से लिसा की ओर टूट